गडकरी साहब और थोड़ा सा फास्टैग को बंद करके शायद कोई, और रात को बज रहे थे यहाँ पे पत्थर। पत्थर कौन मारा हो? शराब पी के वो पीछे मोड़ पे मार रहे थे पत्थर भाई रात। वेलकम टू महाराष्ट्र, रवेर 28 किलोमीटर, बुरहानपुर 48 किलोमीटर। ये लेगा वेलकम टू महाराष्ट्र विथ 20 रुपीज। Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल FTC ब्लॉग। तो करते हैं इस ब्लॉग का यहाँ से दोबारा स्टार्ट और निकलते हैं हम अपने सफ़र के लिए। दूसरी गाड़ी चलेगी आगे, बस हम ही बचे थे, हम भी निकलने लगे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको। यहाँ पे हम रुके थे, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए और इसको भी फ्रेश किया और खाना वगैरह खाया और अब निकल चुके हैं। दूसरी गाड़ी चलेगी आगे और अब हमारा सफ़र 1000 किलोमीटर और बैलेंस है करीमनगर का, अपनी साइड लग रही। तो चले मिलते हैं आपसे। तो हमारा 1000 किलोमीटर सफ़र और बचा हुआ है, अब चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो फिर ही सफ़र अपना होगा पूरा कंप्लीट। कल नहीं तो परसों तक हम मंडी में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। फ्रेश वगैरह होना भी बहुत जरूरी था क्योंकि कल से हम नहाए नहीं थे, अभी हम सभी फ्रेश हुए हैं और मौसम यहाँ का अच्छा ही लग रहा है हमें, बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। MP में बैठे हुए थे स्पीड वाले भाई, जो स्पीड में गाड़ी आ रही थी उन्हीं को रोक रहे थे, वीडियो नहीं उठा पाया क्योंकि स्पीड वाले बहुत ज़्यादा थे। तो भाई अपनी स्पीड लिमिट में चलें क्योंकि हर जगह अब स्पीड का चलान होने स्टार्ट हो चुका है भाई, और अपनी स्पीड हमेशा लिमिट में रखें। तो भाई रतलाम पार कर लिया हमने, तो पहुँचे हैं रतलाम पार करके आज फर्स्ट पत्ती पे, टोल पत्ती पार करके अभी एक पत्ती हो रहा है, उसके बाद पहुँचेंगे नीलकमल ढाबे पे, वहाँ थोड़ा रुकेंगे, दूसरी गाड़ी पीछे है उसका वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे और थोड़ा बहुत आज के कमेंट पे नज़र डालते हैं, कौन सा कोई किसी बाइक का रिप्लाई करने वाला है तो उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बाइक का कमेंट है, नाम है बाइक का नोनू नोनू ऐसे कुछ नाम है, तो बाइक पूछ रहे हैं कि 14 टहरी नासिक से गुवाहाटी किस माल पे चलती है, कच्चा माल क्या क्या मिल सकता है। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मेन प्याज, ऑनियन, गंडे जिसको बोलते हैं हम लोग, टमाटर जाता है, और तीसरे नंबर अनार चलता है, और अंगूर के सीज़न में अंगूर चलता है, और ज़्यादातर प्याज चलता है, वो आपको 12 महीने मिलेगा प्याज मेरे हिसाब से। और इससे अलावा सूखा माल भी जाता होगा शायद, जो कच्चा माल है उसके बारे में मैंने बता दिया, ज़्यादातर हमें कच्चे माल की जानकारी रहती है। तो चले आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम होटल नीलकमल के बाहर, खड़े हैं वो सामने, देखिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ और सामने देखिए होटल नीलकमल। तो यहाँ पे अब वेट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी का, जैसे वो आती हैं तो फिर निकलते हैं चाय वगैरह पी के। तो चलो करते हैं उनका वेट अभी भाई, और मतलब कम से कम भी 800 से 700 किलोमीटर के बीच में सफ़र हमारा बैलेंस है, तो बहुत ही मतलब खींच के जाना पड़ेगा थोड़ा, अभी नाइट पूरा चलते रहेंगे तब जाके काम बनेगी। तो आगे है भी जंगल वाला एरिया है, तो चलेंगे फिर भी दो गाड़ियां साथ में हैं, तो देखेंगे कहां तक जाएंगे। भाई ने एक सोलापुर महाराष्ट्र से मैसेज किया था कि
क्या हमें लोड मिलेगा, मतलब किस तरह मिलेगा, हिंदी में लिखा। तो फिर मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट किया, उसके बाद उसके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। भाई लोड तो मिल जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ब्रोकर के ज़रिए, आप कहीं भी जाओ ऑल इंडिया में लोड तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपके कमेंट का आंसर मैंने टूटा फूटा दे दिया है, आपको पसंद आया है कि नहीं आया है वो बात की बात है। तो चलो मिलते हैं आपसे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं लिप्पड़ बाईपास वाली पर्ची पे, क्योंकि ये कैश है, ये कैश करती है, और रात के 10:30 हो चुके हैं। और अभी हमने फैसला किया है कि हम फुल नाइट चलने वाले हैं। आगे थोड़ा सा जंगल वगैरह भी है, दो गाड़ियां हैं साथ में, आगे तीसरी गाड़ी वेट कर रही है जो पिछली बार हमें मिली थी। और अभी तो छोटू चला रहा गाड़ी, उसके बाद हिल एरिया आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी चलाना। तो चलो भाई, टोल कट गया हमारा। कितने का टोल है ये कैश है? 280 रुपये का ये कैश है। जो 250 रुपये की पर्ची होती थी वो अब 280 हो चुकी है भाई, टोल महंगे हो चुके हैं। तो इसका कारण यही है कि रोड का काम लगा है बहुत ज़ोरों शोरों से हर जगह, तो लास्ट में आ जाके गाड़ी वालों का ही नंबर आता है भाई पैसा देने के लिए। डीजल में भी पैसा गाड़ी वाले ही भरते हैं, टोल में भी गाड़ी वाले ही भरते हैं, ट्रक्स ओनली ट्रक्स, ट्रक की ज़्यादा, मतलब अगर इंडिया में ट्रक बंद हो जाए ना तो इंडिया का हर एक काम बंद हो जाता है, ज़ीरो हो जाती है इंडिया ट्रक के बिना। क्योंकि ट्रक जब तक चलेंगे नहीं रोड पे तब तक इनको टैक्स कहाँ से आएगा, टोल के खर्चे कहाँ से निकलेंगे। मतलब फैसिलिटी तो अच्छी बन रही है, इंशाल्लाह अच्छी बन जाएगी। और ट्रक एक मतलब अहम रोल अदा कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया में छोड़ के ऑल वर्ल्ड में ट्रक का जो रोल है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा है। और चलो जी, हमारे इंडिया के रोड भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे और 2025 तक, तो फिर मज़ा आएगा गाड़ी भी चलाने का। तो गाड़ी की बचत भी रहेगी, डीजल में भी बचत रहेगी, और हमारे नितिन गडकरी साहब और थोड़ा सा फास्टैग को बंद करके शायद कोई दूसरा प्लान कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं ये तो मालूम नहीं है, पर उनकी प्लानिंग चल रही है। तो इंशाल्लाह उनकी प्लानिंग कामयाब हो जाए और हम लोग भी मतलब जितना रोड यूज़ करेंगे उतना ही हमें टोल देना पड़ेगा, ये भाई हमने सोचा है, सॉरी हमने सुना है कि इस ऐसा सिस्टम पे काम चल रहा है। चलो देखते हैं कब तक ये सिस्टम हो पाता है, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे वो तो ऊपर वाले को मालूम है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जान दे चला कोई चक्कर नहीं, पर पहुँच चुके हैं भाई हम काकू के ढाबे पे। यहाँ पे जम्मू से हैं भाई ये, और यहाँ पे रुकने वाले हैं थोड़ा खाना खाना खाने के चक्कर में, और टायरों को भी रस मिल जाए तो इसलिए रुकेंगे। थोड़ा कट मेरी साइड कटी हुए आते आते कट गया मैया नल लोहार बहने, तो अपनी दूसरी गाड़ी आ गया लोहार बहना ही। तो जैसे मैंने बोला ना अभी लोहार बहना ही, इसको ये बोल रहा था कि गाड़ी थोड़ा प्यार से और धीरे से उतारना, रुक जा उन्हें मोड़ने गाड़ी रुक जा। तो यहाँ पे भाई हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, कहते आओ मोड़ दे पहले, थोड़ी रेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, और रेस्ट के टायरों को थोड़ा ठंडा करेंगे, खाना खुना खा ही लेंगे, 11 बज चुके हैं, तो उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे कंटिन्यू। तो चलें गाड़ी घुमाते हैं फिर देखते हैं। आज जाकर दम थोड़ी कटोरा का डेरा इन्हों जाना जे थोड़ी लानी है भाई, देखो बहुत सारी गाड़ियाँ खा रही। तो यहाँ पे लगाई हुई हमने अपनी गाड़ी, अब खाएंगे यहाँ पे खाना, फिर दोबारा करेंगे सफ़र अपना कंटिन्यू।
जाना जाना जाना। हाँ लगा दी अपनी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे। रात के टाइम मेरा कैमरा को अच्छा नहीं चलता। तो भाई अपना हो चुका है यहाँ पे खाना पीना और 12 बज चुके हैं। यहाँ करने लगे हम अपना यहाँ से सफ़र कंटिन्यू। सुबह सुबह ही पहुँचेंगे भाई 6-7 बजे तक, सावधान है क्योंकि पूरा हिल एरिया आने वाला है। आगे चलना कट रहा मेरी सर कटी कट रहा हिल एरिया आगे आने वाला है पूरा। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। अभी चला रहा है बाटो, उसके बाद देखेंगे हम। कार्ड फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग जम्मू वाले ढाबे पे और रात को बज रहे थे यहाँ पे पत्थर। पत्थर कौन मारा हो? शराब पी के वो पीछे मोड़ पे मार रहे थे पत्थर भाई। रात को देख सुन के आए यहाँ पे क्योंकि चोरी चार तो नहीं है, शराबी हैं पत्थर मारने वाले। कहाँ जा रहा था? तेरा डाला तेरा ख्याल है डाला गाड़ी था तेरा। यहाँ पे लगाई है गाड़ी हमने और वो पिछले चक्कर वाली गाड़ी हमारे साथ ही है। हमारा वेट कर रहा था कब से काली चोर। ये आ गया काली चोर। काली दिख नहीं रहा है मुंह देखे इसको। वेलकम टू महाराष्ट्र। अरवेर 28 किलोमीटर, बुरहानपुर 48 किलोमीटर और भुसावल 65 किलोमीटर। हमको जाना रवेर, रवेर से सावदा, सावदा से मलकापुर साइड। और हालत देखो रोड की भाई, इतने बड़े खड्डे हैं यहाँ पे। रात के सुबह के 5 बजे हमने कर लिया MP पार। यहाँ से पाल है अभी, पाल गाँव है 3 किलोमीटर और रवेर वही 30-32 किलोमीटर। लेगा 20 रुपये। महाराष्ट्र इंटर होने से पहले 20 रुपये देने पड़ गए भाई। वेलकम टू महाराष्ट्र विथ 20 रुपीज। तो हम पहुंचे भाई महाराष्ट्र में। हमारे काली उस्ताद का टायर पंचर हो गया है। बड़ी स्पीड में उतरता था ना डाउन, इसलिए टायर पंचर हो गया गर्म होकर। हाँ तो इधर ही गर्म पीछे हुआ था, इधर ही आगे होगा जगह कंट्रीब्यूशन लग गया नहीं तो पैचर नहीं हुआ ऐसे खोल रहे हैं। ये चूटे ले रहा है राड पे चढ़ के, एक नट नहीं खुल रहा बंदे से। खड़ी कर गया पा, खड़ी कर गया पा नट नहीं खुल रहा बंदे से। अपनी गाड़ियां लगी हैं उधर, सूरज निकलने वाला अभी थोड़ी देर में। नट खुल रहा है, खोल नहीं रहा। अच्छा चल, हाँ जरके जरके है करंट है यार काली तरह। अजय करंट है राजा है